अभिन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। आज प्रचार का आखिरी दिन है। सातवें और अंतिम चरण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। सातवें चरण में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में भी मतदान होना है और इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और सभी सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद 4 जून को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। और आज शाम 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में होंगे। वहां वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन करेंगे और 1 जून तक वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री का विशेष जुड़ाव रहा है। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों और मूल्यों से प्रभावित रहे हैं। प्रधानमंत्री 2020 में बंगाल में स्वामी विवेकानंद से जुड़े बेलूर मठ में रुके थे और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। दरअसल साल 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य में एक यात्रा भी निकाली थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस पर पंजाब को बांटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरत साहिब कॉरिडोर खोलने का काम किया। पंजाब के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान दिया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि लगातार वे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में अब जहां 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है उनमें से एक राज्य पंजाब भी है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजाब में प्रचार की कमान संभाली हुई है। एहसास है कांग्रेस ने अपनी गलतियों के आधार पर यह 5 नदियों वाला पवित्र पंजाब इसको बांटने का भी काम किसी ने किया। काल के प्रवाह में ये पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के माथे पे कलंक है जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। हम तो ये बड़ा आश्चर्य करते हैं 1971 का युद्ध 1965 का युद्ध दोनों युद्ध हुए देश के जवानों ने दुश्मन की छाती पर भारतीय तिरंगा फेरा करके अपनी ताकत का एहसास कराया लेकिन जो देश के कर्ता धर्ता थे उनकी कायरपन के कारण से हमारे स्वाभिमान के प्रतीक को हम नहीं ले पाए। ये कलंक भी किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे है उनके साथ वालों के माथे है। और खबर शिवपुरी से जहां खुले में शराब पीने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस की कार्रवाई से शराबियों में भगदड़ मच गई। लोग शराबियों की शिकायत कर रहे थे। खुले में शराब पीने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी है और ये देखिए जब देर रात ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस सख्त नजर आई। जो शराबी थे जो आने जाने वाले लोग जिनसे परेशान होते हैं भाग खड़े हुए यहां से पुलिस को देखकर और शिवपुरी का पूरा मामला है। खुले में शराब पीने वालों को पुलिस ने चेतावनी दी। शराब की दुकान है उनके आसपास काफ़ी लोग शराब लेके और कहते वहीं पर बैठ के वो पीते हैं तो जिससे कि काफ़ी माहौल बिगड़ता है और इसी पर से ये मुहिम चलाई गई है कि जो भी शराब लेता है तो वो आसपास वहां पर शराब ना पीए। और रतलाम से खबर है जहां पर एसडीएम ऑफिस के बाहर महिला का जमकर हंगामा देखने को मिला। खुद के हाथ पर किया नुकीला औजार से वार। बता दें कि 3 साल की बच्ची की कस्टडी ये महिला चाहती थी और पति से विवाद के चलते अलग रह रही महिला आलोट एसडीएम ने सिविल कोर्ट जाने का आदेश दिया। आदेश सुन महिला और परिजनों ने हंगामा किया। आलोट एसडीएम के सामने भी ये हंगामा जारी रहा। आपको बता दें कि महिला ने बच्ची की कस्टडी के लिए यहाँ ये सब कुछ किया और नुकीले हथियार से अपने हाथ पर ही वार कर लिए। काफी लोग वहां पर मौजूद थे और इस ड्रामे को काफी देर तक
देखकर आ प्रशासन, हालांकि बाद में समझा बुझाकर महिला को वहां से रवाना किया। क्योंकि अब छोटी बच्ची है और वो पति पत्नी अलग हुए हैं, वो भी वैधानिक रूप से इनका तलाक नहीं हुआ था, सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण ये दोनों ही अलग हुए थे, तो बच्ची माता के साथ रहेगी या पिता के साथ रहेगी इस संबंध में सिविल कोर्ट को ही ज्यूरिडिक्शन का अधिकार है। और उसी संबंध में मेरा आदेश भी हुआ है कि आपने जो विवाद का जो भी आवेदन का जो किया है इसका निराकरण आप जुडिशरी कोर्ट से करवाना। और चले बढ़ते हैं आगे। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवार से मंत्री ने मुलाकात की। दरअसल सीएम के निर्देश पर छिंदवाड़ा पहुंची संपत्ति आहुई के। पीड़ित परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी गई। परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता, घायल बच्चे के लिए 5 लाख की सहायता। युवक ने की थी परिवार के 8 लोगों की हत्या और कल ये चौंकाने वाला मामला सामने आया था और इस पूरे मामले की अब जांच की गई, लेकिन जो आरोपी खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। सीएम के निर्देश पर संपत्ति आयोग के छिंदवाड़ा पहुंची थी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं और 50-50 हज़ार रुपया उनकी दोनों बहनों को, और जो घायल है जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसको हम लोग 50 हज़ार दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपया देने की घोषणा, और जो इलाज के अलावा 5 लाख रुपया वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा उसको 5 लाख रुपया देने की घोषणा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 11 से ज्यादा जिलों में भयानक लू का अलर्ट जारी किया गया। बता दें कि 15 से ज्यादा जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने इस पर पूर्वानुमान जताया है और ऐसे में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 15 से ज्यादा जिलों में हीट वेव लोगों को तपा सकती है। और भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। पहले धधकती गर्मी थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल, बम बनकर फटा एसी, ट्रांसफॉर्मर मांग रहे पानी। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर भी कहर बरपा दिया। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफॉर्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफॉर्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसीलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। हालांकि चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है, जहां अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बूंद बूंद का महत्व प्यासा ही जानता है, या फिर वो जो भीषण गर्मी से परेशान हो। देखिए, पाइप के लीक से टपक रहे बूंद बूंद पानी से एक बगुला कितनी राहत ले रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में एक बगुला बूंद बूंद पानी से काफ़ी आराम महसूस कर रहा है, और पानी एक बूंद गिर रहा है, लेकिन उस एक बूंद पानी से राहत लेने के लिए ये पक्षी
कितने जतन कर रहा है और सुकून से यहाँ पर बैठा हुआ है। और अमूमन पक्षी के इतना पास जाने पर पक्षी उड़ जाया करते हैं, घबरा कर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ इस भीषण गर्मी में शायद वो ये सोच रहा हो कि अगर उड़कर भागा तो गर्मी से मारा जाऊंगा और शायद यहाँ रुककर एक चांस है। हालांकि पानी के पास और गर्मी में यूँ भी पानी सबकी मूलभूत आवश्यकता है और ऐसे में क्या पशु क्या पक्षी। और इस बीच नौतपे के पांचवें दिन सूरज की तपिश के बीच मौसम ने करवट ली और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर और भिंड में घने काले बादल छाए और कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत सबको मिली। और नर्मदापुरम जहां सिवनी मालवा के बिसोनी कला में फसल सूखने पर किसान ने ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया, किसान की फसल सिंचाई का पानी न मिलने से सूख गई थी। दरअसल किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है और इनका ये कहना है कि इस नुकसान के लिए प्रशासन को हर्जाना देना चाहिए और इस नुकसान का भरपाई करने के बाद कुछ राहत हो सकती है। हालांकि किसान की फसल सूख जाने की वजह से उसने खेत में लगी हुई फसल पर ही ट्रैक्टर चलाकर उसे जोत डाला और जो अब किसी काम की नहीं है और काफी नुकसान किसान को हुआ है। और खबर रायपुर से, जहां फोम फैक्ट्री में दो महिलाओं की झुलसने की वजह से मौत हो गई। सीएम ने मदद का ऐलान किया है, 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। हादसे पर दुख भी जताया, सीएम ने शोक व्यक्त किया है। और रायपुर का पूरा मामला है, फोम फैक्ट्री में दो महिलाओं की मौत हुई, सीएम ने मदद का ऐलान भी किया, 5-5 लाख की मदद का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये देखिए, जहां फोम फैक्ट्री में आग लगी थी, आग को बुझाने के तमाम जतन किए गए और उस दौरान दो महिलाओं की इसमें मौत हो गई। रायपुर के खमतराई थाना के गोंदवारा में बुधवार को एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में दो महिला कर्मचारियों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में 7 मजदूर काम कर रहे थे और इनमें 5 लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में भी सीएम ने मदद का ऐलान किया है। विस्फोट में एक मजदूर की मौत हुई है, 8 मजदूर अभी भी लापता हैं। कंपनी प्रबंधन परिजनों को 30-30 लाख का मुआवजा देगा, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 5-5 लाख की मदद। दरअसल सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा इस मदद के बारे में और उन्होंने बताया कि वो सरकार की तरफ से क्या मदद करने वाले हैं और ऐसे में पीड़ितों को आर्थिक मदद की घोषणा के बारे में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। बारूदी फैक्ट्री में हुए धमाके में 1 मृतक और 8 लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से जो मुआवजा दिया जाएगा, जो राहत दी जाएगी, उसमें 30-30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ऐसी जानकारी खुद मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल से सामने आई और शासन द्वारा 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की गई है। और गरियाबंद में वन रेंजर की मौत का एक मामला सामने आया, जहां सरकारी आवास में वो मृत पाया गया। गरियाबंद वन मंडल कार्यालय में थे तैनात, जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कांकेर के रहने वाले थे भरत भूषण दास। तो ये पूरा मामला गरियाबंद का है, वन रेंजर की मौत हुई, सरकारी आवास में शव मिला है और गरियाबंद वन मंडल कार्यालय में ये तैनात थे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, कांकेर के रहने वाले थे भरत भूषण दास। दुर्ग में पोच ढलाई के दौरान हादसा हुआ, जहां 27 फीट ऊंची सेटरिंग भरभराकर गिर पड़ी, काम कर रहे 10 मजदूर घायल हो गए। बाकी मजदूर यहां बाल बाल बचे, बताया जा रहा है कि बाफना गोल्फ क्लब की ये घटना है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और काम कर रहे मजदूर जिन्हें चोट आई है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया जब सेटरिंग ढह गई और मजदूरों को चोट आई।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे और सीएम वनांचल ग्राम सिमरहा का दौरा करेंगे। 19 मजदूरों के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। 20 मई को यहां पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हुआ था। हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी शामिल होंगे। और खबर निवाड़ी से, जहां अवैध खदान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 LNT, 2 हाइवा, 2 JCB जब्त की गई है। आपको बता दें कि 1 ROC मशीन भी जब्त की गई है। और सातारा नदी में हो रहा था यह अवैध खनन। SDM, तहसीलदार, SDOP मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और यहां से अवैध खनन में लगी हुई मशीनरीज जब्त की गई, जिसमें पोकलेन, हाइवा, JCB सभी काम पर लगाए गए थे। और प्रशासन के पहुंचने के बाद इन मशीनों को जब्त कर लिया गया, जो अवैध रूप से इस खनन कार्य में लगी हुई थी। और खबर बैतूल से, जहां रेत माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। दरअसल अवैध परिवहन करते 11 डंपर जब्त किए गए हैं। 25 लाख रुपए के रेत भंडार भी जब्त किए गए। 1 महीने में राजस्व अमले की दूसरी कार्रवाई है। रेत माफिया के लोगों पर दर्ज होगी FIR। शाहपुर और घोड़ा डोगरी में कलेक्टर ने डंपर पकड़े और ये पूरा मामला 25 लाख रुपए के रेत भंडारण से जुड़ा। रेत माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में पास ही बने महाकाल लोक में अब सभी मूर्तियां पत्थरों की लगाई की जाएंगी और सभी मूर्तियों के बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि ये प्रतिमा ओडिशा के कलाकार बना रहे हैं। पहले फेज में सप्तऋषियों की एक भगवान शिव की मूर्ति भी बनाई जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे सभी मूर्तियों को पत्थर की मूर्तियों से बदल दिया जाएगा और नई मूर्तियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। महाकाल लोक में 106 मूर्तियां लगी हुई हैं, जो दर्शन करने के बाद अमूमन यहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और अब जो मूर्तियां लगाई जाएंगी वो पत्थर की होंगी, जिस पे अब काम चल रहा है। 3 गुना ज़्यादा 12 दिन में। समाज कल्याण पंचायत विभाग के उज्जैन हाट परिसर में महादेव मूर्ति कला कार्यशाला की स्थापना की गई है। इस कार्यशाला में उड़ीसा के बहुत सारे जो कलाकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, वो आकर काम कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्थित महाकाल लोक में लगी फाइवर की मूर्तियों को अब हटाकर पाषाण के पत्थरों से लगाई जाएगी, क्योंकि ये बंची पर्वत का जो पत्थर है, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है। पहले जो है 7 मूर्ति बनाने की बात सामने आई थी कि सप्तऋषियों की जो मूर्ति तेज आंधी तूफान में तो धारा सही हो गई थी, इसके बाद उनको बदलने का जो है पत्थर की मूर्ति लगाने की बात सामने आई थी। लेकिन अब जो है बात सामने आई है कि जो है पूरे महाकाल लोक में जितनी भी जो फाइबर की मूर्तियां लगी है उन सबको बदल कर अब जो है इस पत्थर की लगाई जाएगी और इसको बनाने में 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्चा पहले फाइबर की मूर्तियों में किया गया था, अब यह जो है पत्थर की मूर्तियां बनाने में भी करोड़ों रुपए खर्चा होगा और एक मूर्ति करीब करीब 2 से 2.5 महीने में तैयार होगी। और ऐसे यह कार्य कम से कम 100 मूर्तियों का जो चलेगा तो कम से कम 2.5 से 3 साल इसको बनने में लगेंगे। मुझे जयपटवा न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और IPL में पंजाब किंग्स 11 के बेस्ट फिनिशर और भोपाल के लाडले शशांक सिंह क्रिकेट से फुर्सत के बाद भोपाल पहुंचे, जहां उनसे न्यूज सिटी ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के लिए रन बनाने से ज्यादा खुशी मिलती है। IPL के हीरो और MP के दबंग अफसर शैलेश सिंह के बेटे शशांक सिंह आज हमारे साथ हैं। IPL में इस बार आप बेस्ट फिनिशर भी माने गए और ऐसा रहा कि जब भी मैच आया तो पंजाब इलेवन को उम्मीद रहती थी कि शशांक है तो मैच हम जीत जाएंगे और आपने वो भूमिका निभाई भी बेस्ट फिनिशर की, तो कैसा महसूस होता? नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगता है कि जब अपनी टीम को जिता पाते हो मैचेस
जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन में दे पाए अपनी टीम को जिताने के लिए, काफी खुशी होती है बिकॉज आप मेहनत इसी दिन के लिए करते हो कि अपनी टीम को जिता पाओ। एक टीम बहुत सही है तो अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम आपको रियलाइज भी होता है कि कहाँ आपने गलतियां की हैं, आप बेटर बन पाओ नेक्स्ट मैच में। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इस साल, काफी सारी सीख भी मिली कि कहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गलतियां की, जो मोमेंट्स हमें जीतने चाहिए थे मैं नहीं जीत पाए, तो वो मोमेंट्स भी रियलाइज हैं। और जो थोड़ी बहुत अच्छी पारियां खेली वो भी अच्छा लगता है। तो काफी ग्रेटफुल हूँ फ्रेंचाइजी के लिए कि उन्होंने मौका दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं थोड़ा बहुत खरा उतर पाया उस पर। प्रीति जिंटा वो कई बार कहती रही कि शशांक ने बेस्ट परफॉर्म दिया, तो जब वो तारीफ करती हैं तो कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। आई मीन जैसे आप उनको देखते हैं ग्लोबल स्टार, मैं भी उनको वैसे ही ग्लोबल स्टार देखता हूँ। मैंने हमेशा उन्हें बड़े पर्दे पर ही देखा है, तो जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो मैं भी एक ऑस्ट्रक हो गया था। मेरे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रिटी स्टार हैं, आज भी वो वही हैं। बट ऑब्वियसली जब वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे इतना प्रमोट करती है, मेरी तारीफ करती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ सही कर रहा हूँ कि आई इतना बड़ा स्टार आपको सपोर्ट कर रहा है। अब शशांक सिंह आपका भी एक सपना होगा कि इंडियन टीम में खेलना है, तो क्या लगता है कब तक सपना पूरा होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर ये एक प्रोसेस है, आई मीन सपना जब क्रिकेट चालू किया था उस दिन से सपना है ये, और ये सपने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सपने को सपने के पास जाने में। और ऑब्वियसली जब भी ये सपना पूरा होगा जितनी खुशी मुझे होगी उतनी खुशी आप लोग को होगी। तो प्रोसेस चालू है इसका और भगवान की दुआ से जल्दी वो दिन आएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शशांक इंडिया टीम का चेहरा हो। थैंक यू सो मच सर, आप लोग का आशीर्वाद है ये। थैंक यू सर। तो देखिए ये है शशांक सिंह जो पंजाब के बेस्ट फिनिशर तो रहे ही, और अब उनका एक सपना है और हर क्रिकेटर का सपना होता है कि एक बार इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेले, तो वो भी भरोसा जता रहे हैं और परफॉर्मेंस है कि एक ना एक दिन जरूर उन्हें इंडिया की टीम में मौका मिलेगा। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।